अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही जल्दी बनने वाला मीठा ज़रदा, जो कि घर में जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनसे बहुत आसानी से बन जाता है और किसी भी टाइम आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है ये। और उसके लिए आपके पास चीनी, चावल और घी होना ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। तो मैंने 3 कप चावल लिए हैं बासमती राइस, और 3 कप मैंने शुगर ले लिए, और बाकी के जो हैं वो बादाम पिस्ते आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, कम ज़्यादा या ना भी लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवड़ा मैं थोड़ा सा लूँगी, ज़ाफ़रान मैंने लिया है, दूध थोड़ा सा 1/2 कप या इससे भी थोड़ा कम अगर आप ले लें तो काफ़ी होगा, और ऑप्शनल है केवड़ा भी। और इसके अलावा इलायची और लौंग जो हैं वो ज़रूरी हैं, वो भी हर घर में होते हैं, और ये अशर्फियाँ हैं ये भी ऑप्शनल हैं। तो मैं बहुत सारे कम इंग्रेडिएंट के साथ जो है ये बनाने जा रही हूँ। खोया है मेरे पास, ये भी मेरे पास रखा हुआ था तो मैं डाल रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पानी मैंने बॉईल कर लिया है, इसमें मैं अब डालूँगी ज़रदा रंग, तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना कम या ज़्यादा डालना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डाल नहीं करूँगी। इसके बाद अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। इसमें मैंने 1 पिंच सॉल्ट का भी डाला था। जब भी आप कोई मीठे चावल बनाते हैं या जर्दा या मतंजन, तो आप उसमें थोड़ा से ज़रूर डालें सॉल्ट, 1 पिंच तकरीबन। कलर हम बढ़ा भी सकते हैं, अगर मुझे कम लगा तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। बॉईल करते वक्त आप कलर डाल दें। चावल जो हैं ये हम ज़रा ज़्यादा बॉईल करेंगे, 1 कनी रहने देंगे हम इसमें, अभी थोड़े से हार्ड हैं क्योंकि जैसे ये हम इसको शीरे में डालते हैं ये सख्त हो जाते हैं चावल, इनको थोड़ा सा हमें ज़्यादा पकाना होता है। बस इसको हम छान लेते हैं। ये 1/4 कप घी मैं डाल रही हूँ, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं आप। मैंने 3/4 सॉरी घी लिया है, और इसमें ये मैं नट्स फ्राई कर रही हूँ। बादाम और किशमिश मैंने लिए, आप पिस्ता, काजू, कुछ भी ड्राई फ्रूट में कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद ये शुगर इसमें मैं डाल रही हूँ, और पानी का हल्का सा छींटा मैं दूंगी बस। ये दूध मैंने जो रखा था तकरीबन 1/2 कप वो मैं डाल दिया इसमें। बस इसमें फौरन ही हम चावल भी डाल देंगे। चावल डालने के बाद शीरा एकदम से पतला हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है, और इस वाटरी सा है ये, तो इसी में चावल जो है इसको सो कर लेंगे शुगर सिरप को, और ड्राई हो जाएगा पानी, फिर इसको हम दम पे लगाएंगे केवड़ा डाल के। ये
एक नींबू का रस है आधा मैं डालूंगी, इससे चावल जो है तो उसमें टेस्ट भी आएगा और चावल टूटेगा भी नहीं। पानी जो है वो बहुत कम रह गया है इसमें, और इसमें मैं ये ज़ाफ़रान जो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था इसमें मैंने थोड़ा सा कलर भी ऐड किया है। वो मैं डाल रही हूँ और साथ में थोड़ा सा केवड़ा जो है वो कुछ ड्रॉप्स डालूंगी। ये थोड़ा थोड़ा सा डार्क इफेक्ट देगा, कहीं कहीं अच्छा लगेगा ये। तो ये ज्यादा ही होगा, थोड़ा कहीं से डार्क होगा कहीं से लाइट होगा। इसको हम दम पे लगाते हैं। केवड़े की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, नट्स हम इसके बाद में डालेंगे, अभी हम इसको दम पे रखते हैं। आपको पता है मैं उल्टे तवे का दम हमेशा बताती हूँ क्योंकि ये सेफ होता है, इसका बॉटम जो है वो टच नहीं करता तो सेफ रहता है। दम हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, 10 मिनट का दम मैंने लगाया और उसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं चावल जो है खिले खिले हैं और अच्छे से दम आ गया। तो बस हम इसको असेंबल करते हैं, डिश आउट करते हैं, नट्स डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलें जी, हमारा तो ज़रदा तैयार हो गया है ज़ाफ़रानी, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ये। और आप भी इसी रेसिपी से बनाएं, अपने तरीके से उसको सजाएं और आप इसको अपने मेहमानों से दाद वसूल करें, अपने घर वालों से दाद वसूल करें। कहने को ये बहुत एक सिंपल ज़रदा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप मेरे वीडियोस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।